नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Vivo X80 Pro 5G versus Samsung Galaxy A73 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो X80 Pro 5G में 6.48 इंच जबकि Galaxy A73 5G में 6.44 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि X80 Pro 5G से कम है। विड्थ की बात करें तो X80 Pro 5G में 2.96 इंच जबकि Galaxy A73 5G में 3 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो X80 Pro 5G में 0.36 इंच जबकि Galaxy A73 5G में 0.3 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो X80 Pro 5G में 219 ग्राम जबकि Galaxy A73 5G में 181 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो X80 Pro 5G में AMOLED जबकि Galaxy A73 5G में Super AMOLED Plus की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो X80 Pro 5G में 6.78 इंचेस जबकि Galaxy A73 5G में 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन X80 Pro 5G में 1440x3200 और Galaxy A73 5G में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो X80 Pro 5G में 89.6% जबकि Galaxy A73 5G में 87% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो X80 Pro 5G में 518 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Galaxy A73 5G में 393 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मैन कैमरा की तो X80 Pro 5G में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, टेलीफोटो कैमरा और आखिर में पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। और Galaxy A73 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो X80 Pro 5G में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Galaxy A73 5G की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो X80 Pro 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Galaxy A73 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो X80 Pro 5G में Adreno 730 जबकि Galaxy A73 5G में Adreno 642L मिलता है। चिपसेट की बात करें तो X80 Pro 5G में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 और Galaxy A73 5G में Qualcomm Snapdragon 778G मिलता है। बात करें RAM की तो X80 Pro 5G में 12GB की RAM मिलती है जबकि Galaxy A73 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो X80 Pro 5G में 256GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Galaxy A73 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो X80 Pro 5G में नहीं है जबकि Galaxy A73 5G में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी X80 Pro 5G में 4700 mAh जबकि Galaxy A73 5G में 5000 mAh देखने को मिलती है।
आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो X80 Pro 5G में 1 कलर्स जबकि Galaxy A73 5G में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो X80 Pro 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जो कि 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 7999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Galaxy A73 5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 44990 रुपीस, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 44999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Vivo X80 Pro 5G में 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें Samsung Galaxy A73 5G की तो उसमें 7 फायदे और 0 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में X80 Pro 5G आगे है, मेन कैमरा में Galaxy A73 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में X80 Pro 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Google Pixel 7 Pro 5G है, दूसरा Google Pixel 7 5G है, तीसरा Equinox 6 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy S21 5G है और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।